ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसी मशीन को यूज करने का मैं तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी दिखाता हूं। ये मेरा कंपनी देख सकते हैं, BPL कंपनी है और यहाँ नाम है Oxy 5 न्यू ड्यूल। ये आपका ओनो बटन है, ये डिस्प्ले है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आउटलेट है, यह फ्लो मीटर है और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरा फ्लो मीटर है, ये ऑक्सीजन आउटलेट, न्यूबुलाइजर आउटलेट। और चलिए मैं आपको इसमें बारी बारी से सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए वाटर टैंक, इसको क्या करें, इस तरह से खोल ले और अगर वाटर टैंक में अगर पानी भरना है या चेंज करना है, इसे खोलने के लिए इसको जो नीचे व्हाइट कलर का है वो खुलेगा, आपको ऊपर से पकड़ना है और इस तरह से रोटेट कर देना है और इस तरह से निकाल देना है। आपको ध्यान देना है ये जिसमें जो पानी का लेवल है यहाँ पे आपको मिडिल सेंटर तक रखना है। यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम, यहाँ तक आपको पानी रखना है और इस तरह से घुमा के बंद कर देना है और इसका ढक्कन इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से आप पानी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये तो चेंज हो चुका है और इसके ऊपर में देखें एक बॉक्स है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अप ओपन, तो यानी ये जो ऊपर बॉक्स है ये यहाँ पे पाइप वगैरह रख सकते हैं, तो किस तरह से इसे ओपन करेंगे, इस तरह से आपको खींच देना है और यहाँ देखें एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में आप मैनुअल या फिर पाइप वगैरह इस तरह से रख के स्टोर कर सकते हैं। तो ये न्यूबुलाइजर पाइप है, ऑक्सीजन देने के लिए पाइप है, इस तरह से आप रख के इसे बंद करके रख सकते हैं। और ये रहा देखिए न्यूबुलाइजर का ये पाइप, और ये देखे इसका एक सिरा इस तरह से रहता है और ये जो पाइप है इसको नीचे से आप प्रेस करके इसको लगा सकते हैं, मैंने पहले से लगा लिया और ये भी दो पार्ट में रहता है, इसे भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये आपका एक सिरा है और चलिए मैं इसके दूसरा सिरा को मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा दूसरा सिरा और इसे न्यूबुलाइजर के लिए यहाँ पर देखे लिखा हुआ है न्यूबुलाइजर आउटलेट, तो दूसरा सिरा है यहीं पर आपको फिट करना है। इसके लिए इसका कैप को यहाँ से हटा देना है, घुमा के खोल देना है और जब आपका यहाँ पे इस मशीन का कैप यहाँ पर खुल जाएगा तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं इस पाइप को यहाँ पे प्रेस करके फिट कर देना है। तो यहाँ पे देखें किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से फिट कर देना है और इस पाइप का जो पहला सिरा है यानी दूसरा जो अगला सिरा है ये जो है पेशेंट के मुँह में ये अंदर चला जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे खोलते हैं और इसका कैप दोबारा से बंद कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऑक्सीजन आउटलेट, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे देखें ऑक्सीजन आउटलेट और ऑक्सीजन के लिए अलग से दूसरा पाइप दिया हुआ रहता है। चलिए मैं आपको पाइप भी दिखा देता हूँ। ये रहा ऑक्सीजन के लिए पाइप और इसका एक सिरा मैं दिखाता हूँ, ये रहा इसका पहला सिरा और इसका जो दूसरा सिरा है जो पेशेंट के नाक के अंदर चला जाएगा ये। तो चलिए इसे फिट किस तरह किया जाता है, इसको क्या करना है, डायरेक्ट इस तरह से ला के प्रेस करके फिट कर देना है और जो इसका जो अगला सिरा है दूसरा सिरा ये पेशेंट के नाक के अंदर चला जाएगा। तो ये तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से सेट किया जाता है। चलिए इसे ऑफ करते हैं और यहाँ देखें यहाँ पे है एक एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर को खोलने के लिए नीचे से आपको सीधे खींच देना है, इससे एयर फिल्टर यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसे आप निकाल के और इसे क्या करें, इस तरह हल्का हाथों से इसके सिर्फ झाड़ सकते हैं, इस तरह से अगर गंदा है तो झाड़ दें और झाड़ने के बाद फिर से इसको यहाँ पे ला के इस तरह से सेट करना है और इसका जो डोर है इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो ये तो आप देख लिया, चलिए और ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी का बता दिया, ये ऑक्सीजन आउटलेट है, न्यूबुलाइजर आउटलेट है, फ्लो मीटर है, इसको एडजस्ट कर यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसे एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ प्लग दे दिया है और यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर दबा के इसे ऑन कर देना है। यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो चुका है और ऑन होते हैं यहाँ पे जब वाटर टैंक में देखें यहाँ पर बुलबुला यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका फ्लो मीटर, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लो मीटर में आप 0.5 से 5 लीटर पर मिनट एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के कहे अनुसार यहाँ पर फ्लो मीटर यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका फ्लो मीटर हो चुका है और अगर ऑक्सीजन देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन आउटलेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पाइप लगा सकते हैं, अगर न्यूबुलाइजर देना चाहते हैं तो ऊपर न्यूबुलाइजर आउटलेट है तो यहाँ पे लगा के सेट कर सकते हैं। और ये रहा मेरा डिस्प्ले, कितना घंटा आपने यूज किया है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो बटन हैं और यहाँ ये जो दो बटन आप देख रहे हैं इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 5 मिनट ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर किसी को 2 मिनट न्यूबुलाइजर करना चाहते हैं, तो इसका प्लस माइनस से आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। प्लस में क्लिक करेंगे तो आपका टाइमिंग बढ़ेगा और टाइमिंग घटाना है तो माइनस में क्लिक करके
आप अपना टाइमिंग को यहाँ पे घटा सकते हैं इस तरह से, और जितना मिनट का आपने टाइमिंग लगाया है उतना मिनट बाद आपका मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक मिनट का टाइमर लगाया है, और जैसे ही मेरा एक मिनट कंप्लीट हो जाएगा मेरा मशीन ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा एक मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, और यहाँ पे देखिए जीरो हो चुका है, और जो मेरा मशीन है वो ऑफ हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो से ज़रूर आप सीख गए होंगे किस तरह से इसे चलाया जाता है, किस तरह से इसमें सेट किया जाता है, किस तरह से फिल्टर साफ़ किया जाता है, और किस तरह से पानी को चेंज किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।